बारिश के बाद की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, वो होती है रोड पे गड्ढों का होना, और जिसमें पता ही नहीं चलता भाई कितने गहरे हैं कितने नहीं। कल रात भी यही हुआ, घर के पास वाला जो गड्ढा था, जो बाइक पे भैया आए स्विगी वाले, उन्हें पता ही नहीं चला कि गड्ढा कितना गहरा है। कहते भैया वहां पे ज्यादा गहरा है, और थोड़ा सा डिसबैलेंस भी हो गई बाइक। सुबह की शुरुआत हो गई और गाड़ी भी जैसे जिस तरीके से लाम दिखा रही है ना, एक तो इसका आ रहा है टायर प्रेशर का आ रहा है, प्लस आ रहा है ऑयल चेंज का। जैसे तैसे चल तो गई है 70,873। आ जाए इसकी सर्विस 70,000 वाली। सो जी हेलो हाय एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। इसको लेके जा रहा हूँ मैं तानश फोर्ट गुड़गांव में सर्विस सेंटर में, जहाँ पे इसकी सर्विस होगी 70,000 किलोमीटर्स वाली। इसका जो ऑनलाइन जो फोर्ड का प्रॉमिस होता है ना प्राइस कैलकुलेटर, वो मैंने चेक कर लिया कि वहाँ पे कितना प्राइस आता है, वो था लगभग 7,500 के आसपास। एक्चुअल में क्या आता है, कितने की सर्विस पड़ती है, क्या होता है, क्या क्या चेंज करते हैं, वो सब दिखाता हूँ आपको इस वाले ब्लॉग में। Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it's the next day. सुबह के बज रहे हैं जी 11:40। मैं निकला हूँ अभी कहीं से कहीं जाने के लिए, वो भी उसके बारे में बता देता हूँ। बट सबसे पहले जो चीज या जिसके लिए या जो थंबनेल कहता है इस वीडियो का, उसके बारे में बता देता हूँ कि गाड़ी का 70,000 वाली किलोमीटर वाली जो 70,000 किलोमीटर वाली जो सर्विस है उसमें बिल कितना आया। मेरी लगी जी 10,735 रुपये GST पे टोटल अमाउंट, जिसमें मैंने क्या नहीं कराया, एक तो मेरा अलाइनमेंट बैलेंसिंग नहीं कराया मैंने, क्योंकि मेरे सिर्फ आगे के टायर नए हैं, पीछे के घिसे हुए हैं, तो वो जब तक चल रहे हैं तब तक चल रहे हैं, उसके बाद इसे रिप्लेस कराएंगे। एंड बाकी इसमें ऑयल फिल्टर चेंज हो गया, AC फिल्टर चेंज हो गया, जो आपका क्या कहते हैं इंजन ऑयल वगैरह लगता है, इंजन ऑयल डलता है, वो सारी चीज़ नॉर्मल सर्विसिंग उन्होंने कर दी। बट अभी भी बट तो रहता ही है, कुल मिला के अभी भी जो मेरी प्रॉब्लम है वो है कि जब भी मैं थ्रॉटल देता हूँ, पंजा दबाता हूँ, तो एक वाइब्रेशन आती है, जो वाइब्रेशन पहले भी थी जब मैं इधर धर्मशाला वाले ट्रिप पे गया था। बट अभी क्या है, उन्होंने कुछ और भी किया, कोशिश करी सही करने की, जिस वजह से अब वो वाइब्रेशन ना बढ़ गई। अब वो इंजन बे से भी आगे बोनट के नीचे से भी एक साउंड आता है, जिसको डायग्नोस करने में लगेगा टाइम। लास्ट टाइम मेरे पास टाइम था नहीं, उन्होंने बोला आप अभी ले जाओ, फिर वीकेंड में दोबारा जब आओगे तब एक बार इसे दोबारा दिखा लेना। मैं निकला हूँ फिलहाल गुड़गांव से कह रहा हूँ नीमराना से जा रहा हूँ अपने गाँव की तरफ, और ये वही इलाका है, वही ट्रिप है जहाँ पर भाई सबसे पहली ज़िंदगी का मैंने वो किया था अपना ये व्लॉगिंग वाला ट्रिप। जा रहा हूँ किसी काम से, बट उसके हिसाब से एक मौसम भी अच्छा है और वो भी है, और एक जगह दिखाता हूँ कैसी है कैसी नहीं, क्या है क्या नहीं। अभी देखना हो सकता है जैसे पंजा दबाता हूँ छोड़ता हूँ वापस दबाता हूँ, एक वाइब्रेशन सी ना एक धड़कन सी महसूस होती है, आए नहीं आए पता नहीं, इसमें आवाज़ कैप्चर होगी नहीं होगी। गांव का नाम है जी मेरे कवर का नांगल, जो कि है तहसील नीम का थाना और डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सीकर राजस्थान। यहाँ से जो डिस्टेंस भी दिखा रहा है वो लगभग है 48 किलोमीटर्स के आसपास, एक घंटे की जर्नी है। सो जी हेलो हाय एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। दिखाता हूँ आपको क्या है क्या नहीं भाई, कई सारी ना यादें जुड़ी हुई हैं इस गांव वाले ट्रिप से, कई अच्छी है कई वैसी सी हैं, क्योंकि जब सबसे पहले ये व्लॉगिंग वाला किया था ना मैं गया, मस्त अच्छे से सारी चीज़ करी, गांव तक पहुंच गया, ये वो वीडियो भी बना दी एक घंटे की, एक घंटे से शायद ऊपर की थी, फिर बैंड बज गई उसको एडिटिंग करने में, एडिटिंग कैसे करें अपलोड कैसे करें ये वो बहुत चीज़ें ड्रामे करें। सिस्टर के पास लैपटॉप था सारा डेटा उससे उसमें ट्रांसफ़र किया, फिर वो जो सॉफ्टवेयर यूज़ करती थी उसको नेट पे ट्यूटोरियल से समझा, अब तो बहुत इजी हो गया, अब जो मैं करता हूँ जिस एप्लीकेशन से करता हूँ भाई ये लिया डिसॉल्व का वो लगाया सब में ट्रांजिशन सब खत्म। पहली जो बनाता हूँ ना ये मैं पहले ही देख लेता हूँ जहाँ कट करना है क्या करना है, उसके हिसाब से मेरे को पता है, स्टार्टिंग देखता हूँ एंड देखता हूँ, और भाई जय माता दी वहाँ हुआ क्या था लास्ट में, सब कुछ पहुँच गया अच्छे से पहुँच गया, सारी चीज़ें हुई लास्ट में भाई
एक भैंस आ गई और वो इतना नैरो रास्ता था, वो भैंस वाला भी ढीठ, और उसने छोड़ भी दी वो भैंस, पहले तो उसके हाथों में थी, वो मॉनिटर करके वैसे उस पर कर रहा था, वो जा रही उधर थी, उधर से घूम के आई, और जो इधर वाला हिस्सा है यहाँ पे ना नीचे एक वो एंडेवर का वो लिखा रहता है दरवाजे के उधर, भाई उधर भी मारा उसने, और ये जो दरवाजे की वो जो लाइनिंग होती है उसको भी बेंड कर गई। क्या दिन थे आज, सोच रहा हूँ भाई अगर वो चीज़ तब हुई होती एक वीडियो तो बना लेता कम से कम, वो मेमोरी जो मेरे दिमाग में वो यहाँ पे भी रहती। कई चीज़ें होती है कि जहाँ पे ना आपका कंट्रोल नहीं है और हो जाती है। वो तो एपिक दिन था कि ये भी हुआ वो भी हुआ, भाई वैसा दिन ना जाए, कैसा भी जाए वैसा ना जाए। बेस्ट पार्ट है जो इधर ना नारनौल जाने का, अम्बाला जाने का जो हाईवे है ना, तो ये कनेक्टिविटी होने से मेरा आधा झंझट तो खत्म हो गया। मैं वो कुछ भी नहीं करना, ये जो NH8 है दिल्ली जयपुर हाईवे जो है इसको मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ, और उसके बाद ये रास्ता अंडरपास से ऊपर जब जाऊँगा तो वो जाता है अल्टीमेटली अम्बाला। भाई वो का वहाँ का रोड ना, वो का कह रहा हूँ वहाँ का रोड है एक नंबर। लास्ट टाइम भी जब हम यहाँ धर्मशाला गए थे ना, आते समय मौसम भी हो रहा था बढ़िया, और मैंने एक अच्छा था वहाँ पे टाइम लैप्स बनाया था ये दिखाने के लिए, क्योंकि क्या है ना कि मैं मुंबई एक्सप्रेसवे से भी ट्रैवल कर चुका हूँ, इससे भी कर चुका हूँ कि अम्बाला या पंजाब साइड जाते हैं तो इस वाले रास्ते से चले जाते हैं, और जैसे अभी जयपुर से गुड़गांव गए थे तो मुंबई एक्सप्रेसवे होते हुए आए थे। वहाँ का क्या है, बम्पी रोड्स हैं एक टाइम के बाद, जो स्टार्टिंग वाला फेज़ है अगर आप जयपुर की तरफ से आ रहे हैं ना, तो इनिशियल फेज़ जो दौसा वाला है वो बहुत ही ख़राब है कि आपको बहुत ज़्यादा जंप्स मिलेंगे, जर्क्स मिलेंगे। इस हिसाब से ये वाला रोड मेरे को ज़्यादा बेटर लगा। बाकी भाई अपना अपना ओपिनियन, मैं चला रहा हूँ ऊँची गाड़ी, मेरे को उस हिसाब से फील हुआ, नीचे चलाऊँगा उस हिसाब से भी वैसा फील होगा। जो मेरा ओपिनियन है मैंने आपको बता दिया, आपको जो अच्छा लगता है जो नहीं लगता आपको ट्रैवल करके जज करके देख लेना, बट यही है ये बेस्ट लगेगा। जी हाईवे जो अम्बाला वाला है, अब मैं यहाँ से ले लूँगा इधर नांगल चौधरी या इस तरफ, मतलब कुल मिला के इतना ABCD नहीं पता मेरे को, जैसे जैसे कई रास्ते मेरे को मेमोराइज हो चुके हैं इतनी बार आ गया तो, और कई वैसे, अब कुल मिला के काफ़ी हद तक का तो रास्ता सही है। जो एक वो होता ना कि भाई देखो साफ सुथरी गाड़ी कर ली, ये कर लिया वो कर लिया, जो चीज़ मैं कर सकता हूँ खुद से वो तो ये है कि हाँ ठीक है फैक्ट्री में लड़कों से साफ करा दी, ये करा दिया वो करा दिया, या कई बार खुद से भी कर लेता हूँ, बट जो आवाज़ होती है ना ये सही नहीं होती, और वो जो आती है ना तो कई बार तो ऐसे में म्यूज़िक भी बंद करके सुन रहा हूँ, भाई आ रही है नहीं आ रही, अभी भी आ रही है, ऐसा होता है यार अपने आप सही हो जाए। बहुत सही रास्ता और मौसम इस समय बहुत सही लग रहा है, बाहर का व्यू, टेम्परेचर हो रहा है 30 डिग्री के आसपास, और ये जो बादल है ना बहुत सही इफेक्ट दे रहे हैं। ऐसा मन करता है कई बार तो कि काम दाम का सिनारियो सही हो, सब कुछ सही तरीके से बैठे और भाई पूरा इंडिया रोड ट्रिप करूं। इससे तो नहीं इससे तो नहीं, ये तो फिर ये कि पूरे इंडिया के फोर्ड के सर्विस सेंटर के ट्रिप करवाएगी और कुछ नहीं। हाईवे से लेफ्ट लेने के लिए लेफ्ट हैंड तो कहीं दिखाता है, गूगल मैप भी दिखाता रहेगा कि ये रास्ता भी जाएगा तो ये रास्ता भी जाएगा, बट जिस रास्ते से हम जाते हैं वहाँ पे क्या है, उस तरीके का पेड़ है, उस तरीके का एम्बियंस है कि ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि भाई हाँ यहाँ से लेफ्ट लेना, इतनी बार आ गए तो। अब यहाँ पे यही दिखेंगे कुछ हद तक ट्रक्स वगैरह ही दिखेंगे, जैसे इधर भी दिखा रखा है ना कि भाई आगे जाके, चलो ये तो कुछ और है बट आगे जाके वो दिखाएगा वहाँ पे मैप्स में भी जो माइनिंग वगैरह यहाँ पे ये कर रहे हैं, एक तरफ ये और एक तरफ यहाँ की धूल मिट्टी, भाई सब कुछ खराब कर देगा। देखो रास्ता देखो, जूम करके भी दिखाऊं आपको, कुछ भी नहीं दिखाई देगा इस तरीके के, यहाँ पे इन्होंने एनवायरनमेंट कर दिया मिट्टी वाला। बोले जब चीज खुद की होती है ना तब वो नहीं होता कि भाई अगर ये काम हमारा होता ना तब मैं नहीं कह रहा था हाँ भाई ऐसा होता है ये होता है वो होता है, ऐसा होता है यार ये वाली चीज से ना एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, मिट्टी हो रही है, ये वाली चीज है तभी याद आती है,
इससे पहले ना तो भाई मैं आया कभी वैसे उसमें रेगुलर गांव, ना सारी चीजें वैसे। अब ये दिख रहा है ना भाई, मौसम भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, सारी चीजें भी है, यहाँ पे खूब चलता रहता। मन भी करता है कई बार ना, ऐसे कई जगह सुना है कि कई माइनिंग या कई ये तो इतने गहरे हैं, इतना गहरा खड्डा हो गया, कई किलोमीटर तक का है वगैरह वगैरह, जाने का मन भी करता है और वैसा भी है। बट ये है ना कि कुल मिला के यहाँ का रास्ता बहुत खराब हो गया इसके चक्कर में। एक ये तो है कम से कम हाईवे तो बना देते, कुछ तो अच्छा कर देते। ये बात बता रहा हूँ मैं आपको लगभग 2010 और 11 के आसपास की। जैसे इधर भगवान जी का मंदिर आया तो यहाँ पे कहते ना कि कई रास्ते जब आप दोबारा वहाँ पे जाओ तो आप उनको अपनी यादों से वापस डुबा पाओगे। क्या बात है, कोई सेंस है इस बात की? मतलब ऐसे वाली चीज है कि 2010 या 11 के आसपास की ये बात है। 2009 में हमने स्कॉर्पियो ली थी, जो पुराना वाला सबसे सबसे पहले वो नहीं आता था उस तरीके का, तो वो वाला वो थी गाड़ी, थी मैनुअल थी, और ये रास्ता ना एक स्ट्रेट है और खाली होता था। अब तो चलो फिर भी एक गाड़ी दिख रही है, तब तो शायद वो भी नहीं दिखे। और वो वैसा टाइम था कि जब मेरे को नया नया वो था ना कि गाड़ी चलाने को वो मिलेगी और ऐसा कुछ होता था, तो सिर्फ एक वो रीज़न होता था कि भाई मैं आ जाता था कि हाँ चलो ठीक है मैं चलता हूँ आपके साथ गांव। पापा को मैं कंपनी करता था, अदरवाइज मेरा कोई और इंटरेस्ट नहीं था कि भाई गांव जाके क्या करूँगा, वहाँ ना तो कोई मेरी उम्र का है, ना ही मैं वहाँ रहा जो किसी से मैं एक एक्विंटेंस वाला हिसाब कह लो या वैसे वो कह लो, भाई जब आप मिले ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, तो वो होगा नहीं ना। सिर्फ एक वो चीज़ थी जो आज भी है, मतलब ये जो गाड़ियों का कीड़ा है ना भाई, ना तब गया ना आज गया ना आगे जाएगा, चीज़ें सही होती जाएंगी तो ये टचवर्ड बदलती जाएगी और बेटर होती जाएगी। फॉर्च्यूनर का भी एक्सपीरियंस बता देता हूँ भाई, ये वाली जो चीज़ बनी है ना ऊपर का जो इसका ये है, ये नहीं होता था तब, ठीक है। यहाँ पे बारिश की वजह से भर गया पानी और लोगों ने इस क्या कहेंगे इस अंडरपास से ना पहले ही अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी है, और मैं हीरो की तरह जा रहा हूँ। फॉर्च्यूनर थी भाई, मैनुअल थी, 4x4 थी, ओ क्या एक्सपीरियंस था वो, क्रॉल करते हुए करते करते ये वो एक ही सांस में ऊपर चढ़ जाती, गजब एक्सपीरियंस। मतलब यहाँ तक भी पानी और आगे जाके भी उसमें वो पानी भरा रहता था भाई, मज़ेदार कसम से। फॉर्च्यूनर का बड़ा मिस करता, एक तो वो थी भी पहली और डेट भी उसकी याद है कि 8 अगस्त 2016 को ली थी, जिंदगी की पहली गाड़ी थी। मतलब मेरे को कोई वो नहीं चाहिए कि सैलरी वैलरी नीचे, जब पापा के साथ भी काम करना स्टार्ट किया था ना कि मेरे को सैलरी वैलरी से मतलब नहीं है, मेरे को मेरी गाड़ी दिला दो, जो पैसे आप मेरे को उसमें दोगे सैलरी में इकट्ठे देके गाड़ी में कर दो, उसके अलावा कुछ नहीं लूँगा। आज भी वही है, सिर्फ यही कहता हूँ कि भाई मेरे को पैसे वैसे मत दो, मैं क्या करूँगा उसका, मेरे को मेरा सपना ही यही है, मेरे को ये नहीं चीज़ों में मज़ा आता। एक होती ना थेरेपी इंसान की, गजब। अब देखो यहाँ का भी पूरा रास्ता, ये रोड तो चलो पहले भी वैसे थी वैसे नहीं थी, अमेजिंग यार। यहाँ राइट साइड में भी चलो मेरे कैमरे में तो 3x ही है, फिर भी ट्राई करके दिखाता हूँ। उस तरफ वो जो एक रास्ता सा दिखाई दे रहा ना उधर कहीं पहाड़ों के पास, वहां पे मंदिर है। मतलब वहां ना वैसे जा सकते हैं, पहले भी हम गए थे, सीढ़ियां मतलब जो सीढ़ियों वाला पाथ है वो आपको वैसे करना है, वैसे क्लाइम करनी है जितनी सीढ़ियां हैं, बाकी मेजोरिटी रास्ता तो गाड़ी चली जाती है। जगह के हिसाब से ना बहुत सही है, अमेजिंग। और कोई सारी चीज़ें ना पता है क्यों एक और ज़्यादा इन्हांस हो गई है, वो इसलिए कि भाई जब बारिश होती है ना चीज़ें बदल जाती हैं और वो बेहद खूबसूरत हो जाती हैं। यहाँ से स्टार्ट की जाती है गांव की, ये पेड़ है ना, पेड़ की भी पापा खूब कहानियां सुनाते हैं कि बोलो एक टाइम पे पहले मतलब वो भूत वाला टाइप होता है ना, वो चीज भी पापा ने कहीं सुनाई, उसके बाद अब तो नहीं है। अब क्या था कि यहाँ वाला ये पार्ट है, अब ये रोड जितनी है वो इतनी है कि एक गाड़ी आ जाए जैसे ऐसी वाली है। मैं था लगभग यहाँ मान लो इसके आसपास या ऐसा कुछ था, और फिर इस तरफ से यहाँ से वो भैंस चली गई, वो भैंस चली गई और मेरी सांस ही चली गई। उन्होंने उठा के दिया जो साइड मिरर का वो पार्ट होता ना क्रोम वाला, मैं कहा ठीक है यार छोटा सा पार्ट है इसको बदलवा लूंगा, वो उसमें वारंटी में हुआ तो बढ़िया, नहीं तो पैसे दे के वैसे करवा लूंगा।
भाई लेटर डिड आई नो वाली बात हो गई कि वहां जाके, क्योंकि यहाँ से एक दो मिनट का ही रह गया घर का डिस्टेंस, वहां जाके पता चला कि यहाँ वो क्रोम नहीं, कहीं आपके ब्लैक पार्ट्स भी हैं जो डेंट हो गया। इधर का भी किस्सा बता रहा था, यहाँ पे भी एक बार ना बकरी आ गए थे, बिल्कुल टायर के पास आ गए थे, हटी नहीं हो इतना हॉर्न बजाने के बावजूद भी। अब आ गया जी मैं लगभग घर, और यहाँ से अब आगे निकलूंगा जयपुर की तरफ। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, आशा करता हूँ जी आपको वीडियो अच्छी लगी। अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सम अदर डे विद सम अदर अमेजिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।